और बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर का आज का हमारा जो पहला प्रश्न वो ये है कि येलो फंगस, जिसको हम म्यूरोकोरसेप्टिक्स भी कहते हैं, इसका देश में पहला केस कहाँ मिला है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, एलनाबाद, सिकंदराबाद या गाजियाबाद। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के सापेक्ष में सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो जब भी आप किसी से राजधानी पूछोगे तो इसकी राजधानी वो लखनऊ बताते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए क्या है कि इसकी प्रशासनिक और विधायिक जो राजधानी वो लखनऊ है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन जब न्यायिक राजधानी की बात आती है तब इसकी न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा जरा आप। उसके बाद हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री इसके बहुत ही प्रसिद्ध हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें यहाँ पे 80 है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है, और राज्यसभा सीटें 31, ये भी पूरे भारत में सर्वाधिक है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक सीटें पाई जाती हैं। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश क्या है कि अपने कोरोना मॉडल के लिए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बाद देखिए, आज का जो दूसरा प्रश्न वो ये है कि श्री कुमार बैनर्जी का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, इनका जो संबंध है वो विज्ञान से है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या, ये एक धातुकर्म इंजीनियर थे। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर हम सम्मान की बात करें तो 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। देखिए, इसके बाद आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न वो ये है कि चुरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार लादूराम नायक का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, इनका संबंध संगीत से था। ये एक राजस्थानी के अंदर एक वाद्य यंत्र होता है जिसे हम डेरू बोलते हैं, तो डेरू ये बजाते थे। डेरू के अंदर इन्होंने बाहर राजस्थान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान इन्होंने दी है। अगर मैं देखिए चूरू के बारे में बात करूँ तो चूरू तो जसनाती संप्रदाय है, इसका प्रमुख केंद्र चूरू है, और चूरू जाना जाता है ताल छापर अभ्यारण्य के लिए, और ताल छापर अभ्यारण्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, कृष्ण मृग जिसको हम बोल देते हैं। उसके बाद सालासर बालाजी का मंदिर, आपको पता होगा इसके बारे में कि पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया की बात करते हैं तो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा सिर्फ यहीं पे है। उसके बाद कन्हैया लाल जी सेठिया, मैं मानता हूँ अगर आप राजस्थान के निवासी और आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो कन्हैया लाल सेठिया एक ऐसा नाम है जिससे सभी लोग परिचित हैं। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना पातल और पीतल, इनके लेखक कन्हैया लाल सेठिया का संबंध भी चूरू जिले से ही है। देखिए, चूरू के अंदर गोगा जी महाराज की जन्मस्थली जो कि ददरेवा है। उसके बाद आज का जो चौथा प्रश्न वो ये है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के पहले NBA फैन जिन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया वो कौन है, उनका नाम क्या है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नव भाटिया। ये एक सिख हैं, और कनाडा की राजधानी की बात करूँ मैं, कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा है डॉलर। उसके बाद पाँचवा प्रश्न है कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, इसका जो सही उत्तर हुआ है युआन लॉन्ग पिंग। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, और लगभग 1,00,000 लोग इनके जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। जिस शहर में इनका अंतिम संस्कार किया गया था वहाँ पे कहा जा रहा है कि फूलों की दुकानों पे फूल ख़त्म हो गए थे पूरे शहर की दुकानों में। देखिए, चीन के लोगों को भूखमरी से निकालने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम चीन की बात करें, चीन भी आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना चीन की जो वुहान की लेबोरेटरी है वहाँ से इसका ये वायरस फैला था। तो चलिए, चीन की राजधानी के बारे में बात करते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन की मुद्रा जो है वो है रेनमिनबी। ये थोड़ा अजीब सा ही नाम है, तो आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। उसके बाद छठा प्रश्न देखिएगा कि अफ्रीकी देश केन्या के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन होगी? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है मार्था कोम। देखिए, इनका चयन बड़े गजब तरीके से किया गया है कि न्यायिक समिति ने टीवी पर इनका लाइव इंटरव्यू लिया था, और लाइव इंटरव्यू के आधार पर इनका चयन किया गया है। अगर मैं बात करूं केन्या की राजधानी की, तो केन्या की राजधानी नैरोबी, और मुद्रा है केनियन शिलिंग। उसके बाद सातवां प्रश्न, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दोगे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए है पी विजयन,
बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ और डी है मनीष सिसोदिया। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बोरिस जॉनसन। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने अपनी मंगेतर के साथ 2022 में शादी करने की घोषणा की और इनकी मंगेतर का नाम है केरी साइमन, जो कि 33 साल की है। और चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनकी तीसरी शादी होगी। देखिए दोस्तों, अगर बात करूँ मैं ऑप्शन ए की, जो बाइडन क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी कमला हैरिस, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और पहली महिला राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। इनका संबंध भारत से ही, जैसा कि आपको पता है हाल ही के पिछले दिनों में ये बहुत चर्चा में रही थी। उसके बाद जो डी ऑप्शन था, स्कॉट मॉरिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद नौवां प्रश्न देखिए कि गोल्फ में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर हुआ है फिल मिकेलसन। इनकी उम्र 50 साल है और इन्होंने 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि इनके जन्म से पहले जो रिकॉर्ड बना था उसको इन्होंने तोड़ा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में भाई हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि मोनाको ग्रैंड प्रीमियर के विजेता कौन है। देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टैपेन। इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराया था। ठीक है, तो देखिए इनकी टीम है रेड बुल और यह इनके इस सत्र का ये दूसरा, और इनके करियर की बात करें तो करियर का ये 12वां खिताब था। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो पीडीएफ मैंने यूज़ किया, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल बालाजी क्लासेस बाय मनीष सर को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।